मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के धोनी गांव में ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण बचाओ का संदेश देते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। बच्चों द्वारा प्रस्तुति नुक्कड़ नाटक ग्रामीणों को काफी ज्यादा पसंद आई। इस दौरान वृक्ष के महत्व को समझाया गया, किसान किस प्रकार पौधा को लगाता है और बच्चों की तरह पालता है। जब बच्चे बड़े होकर उस पेड़ को काटते हैं तो किसान सदमा में दम तोड़ देते हैं। वृक्ष से मिलने वाले ऑक्सीजन और उसके लाभ को गीत नृत्य संगीत के माध्यम से मार्मिक संदेश देने का प्रयास किया। छात्र छात्रा सक्षम कुमार, आदित्य, दुर्गा, मानव, मिष्टि, सरस्वती, आरती आदि ने बेहतर प्रस्तुति किया। कक्षा 6 के छात्र प्रेम चौधरी ने एक खूबसूरत गीत ठान लो मन में सभी पर्यावरण बचाओ एवं जीते लकड़ी मरते लकड़ी गीत गाकर ग्रामीणों को मनमोहित कर लिया। ग्रामीण बिंदेश्वरी चौधरी ने कहा कि इस कार्यक्रम से हम ग्रामीण अत्यधिक प्रभावित हुआ हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से स्कूली छात्राओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दृश्य दिखाया है वह बिल्कुल अवर्णनीय और अवांछनीय है। बच्चों की प्रतिभा, शिक्षा एवं तैयारियों को देखते हुए हम लोग इनके उज्ज्वल जीवन भविष्य की कामना करते हैं। नुक्कड़ नाटक में मंच संचालन मनमोहन सिंह ने किया। नुक्कड़ नाटक के निर्देशक विजय उपाध्याय, संगीतकार विदुर चौधरी, वही सहयोगी गुलशन, हिमांशु, सन्नी, रवि शेखर सहित ग्रामीण, मनोरंजन चौधरी, विंदेश श्री चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। फायदे हैं आप जानते हैं काका, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं और काका इनकी छांव में हम बैठकर विश्राम भी कर सकते हैं। विश्राम भी कर सकते हैं हाँ। और काका इनके फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं और जब ये बूढ़े हो जाते हैं ना तब ये हमें फर्नीचर भी देते हैं। फर्नीचर भी देते हैं और ये हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं। पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं और काका इनकी वजह से बारिश भी समय पर होती है। बारिश भी समय पर होती है हाँ। और काका ये जमीन की उर्वरा शक्ति भी तो बढ़ाती है। देख लो जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है। और तौर काका जब आप मरोगे ना। हाँ हम मरेंगे। हाँ काका जब आप मरोगे तो इन्हीं की लकड़ियों से आपकी पिता को आगे होगी नहीं तो मेरे लिए कुछ खाने को लेती है ना। घर में बेटी की शादी है और नए मकान भी बनवाने हैं। अरे भाग्यवान तुम चिंता क्यों करती, मैं सारे काम समय पर करवा दूंगा। कैसे सब करवा दोगे? उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और तुम्हारे सारे काम पूरे करवा दूंगा। मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ, जाके बागवानी साफ करवाओ, पेड़ पौधे कटवाओ। क्या तुमने इतनी गंदी बात अपनी जुबान पे भी कैसे लाई? ना ही बागवानी साफ होंगे ना ही पेड़ पौधे कटेंगे। अरे अगर पेड़ पौधे नहीं कटेंगे नहीं मकान नहीं बनेंगे तो बेटे की शादी कैसे होगी? मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया ना पेड़ नहीं कटेंगे तो नहीं कटेंगे। पेड़ तो कटेंगे। पेड़ नहीं कटेंगे। तुम लोगों ने दिल्ली का नाम सुना है? दिल्ली का वहाँ 16,500 पेड़ कट गए सिर्फ घर बनवाने के लिए। आज देख रही हो दिल्ली कितना प्रदूषण झेल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर वैसा नहीं होने दूंगा। पेड़ नहीं कटेंगे ताकि अगर पेड़ नहीं कटेंगे बागवानी साफ नहीं होगे तो मेरी शादी कैसे होगी, नए मकान कैसे बनेंगे, मेरी पत्नी आएगी, हमारे बच्चे होंगे, कहाँ रहेंगे वो? मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया ना पेड़ नहीं कटेंगे तो नहीं कटेंगे। पेड़ तो कटेंगे ही। पेड़ नहीं कटेंगे। नए पेड़ लगवाओगी कहाँ? पिताजी जमीन देकर गए हैं क्या? पिताजी तुमने पिताजी का नाम लिया, अब तो पेड़ कटेंगे। पेड़ नहीं कटेंगे। गरीब मजदूर लगवाऊंगे, पेड़ तो कटेंगे। सुनो सुनो वो लोग मेरे पेड़ काट देंगे
मेरे बच्चे को काट देंगे। नहीं, मेरे